हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन NCR पासपोर्ट एंड ECR पासपोर्ट। दोस्तों मैं बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज NCR पासपोर्ट एंड ECR पासपोर्ट, बट इस वीडियो में हम सीखेंगे उसके डिफरेंस। सो नाउ स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ECR। दोस्तों ECR पासपोर्ट में क्या होता है, जब हम कहीं टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं या एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई करते हैं गल्फ कंट्री में या फॉरेन कंट्री में पैसे कमाने के लिए जाने के लिए, तो उसके साथ साथ हमको एक इमिग्रेशन फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है जो हमारा इमिग्रेशन फॉर्म चेक होता है, उसके बाद हम कहीं पर पैसे कमाने के लिए जा सकते हैं। हाँ, एक बात ये है, आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं किसी भी कंट्री में, उसके साथ आपको एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ हो और एक रिटर्न वीजा हो तो आप जा सकते हैं। बट अगर आप पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं तो बिना इमिग्रेशन किए आपको कहीं भी लैंडिंग नहीं होगा। आप बोर्डिंग करेंगे तब भी आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ आपको चेकिंग होती है तब आप जा सकते हैं, इसमें वक्त लगता है। ये आते हैं ECR कैटेगरी वाले, और इसमें एक कंडीशन और है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ECR पासपोर्ट वाले के लिए जाने के लिए अलाउ नहीं है अगर वो पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं तो, जैसे हो गया थाईलैंड, जान, बंका, कुवैत। अगर जाना है तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा, उसमें साथ ज़्यादा वक्त लगते हैं। तो ये आते हैं ECR वाले। तो दोस्तों अब तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आप बात करते हैं NCR में डिफरेंस क्या है। दोस्तों जो NCR NCR होता है इसका मतलब ये है आप कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, किसी भी देश में कहीं भी आपसे कोई इमिग्रेशन फॉर्म नहीं फिलअप करना पड़ेगा, कहीं भी चेकिंग नहीं होगी। आपके पास एक वीजा हो, पासपोर्ट हो, आप जा सकते हैं, आप में कोई वक्त नहीं लगेगा, आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा कि मेरा NCR कराना है, ECR हमारा पासपोर्ट है तो NCR कराना है। तो दोस्तों इस तरह दो डिफरेंस हैं NCR और ECR में, और एक कंडीशन और है, तो NCR वाले होते हैं ये किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि केवल टूरिज्म के लिए जाएँ या कमाने के लिए जाएँ, ये किसी भी कंट्री में एक वीज़ा ले लें और पासपोर्ट ले लें, उसके बाद अपना चल जाएँ विदाउट इमिग्रेशन चेक कराए, ये होता है दो डिफरेंस। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आगे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताएं, सजेशन देना ज़रूर दें मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।